गोरखनाथ को खिचड़ी भी चढ़ाई। गोरखनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो जमकर उमड़ी है और कुछ ऐसी तस्वीरें अयोध्या से भी सामने आ रही हैं, जहां पर आज देखिए सरयू घाट पर भी आस्था की डुबकी लगाते भारी भीड़ नजर आ रही है। लोग यहां पर सुबह से ही सूर्योदय से पहले माना जाता है कि अगर सरयू में आप डुबकी लगाएं तो इसका जो पुण्य है वो भक्तों को प्राप्त होता है। और गोरखनाथ में भी योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आज मंदिर में पूजा पाठ की। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मकर संक्रांति का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। अलग अलग राज्यों में इसे अलग नाम और अलग तरीके से मनाया जाता है। इन तस्वीरों को देखिए। मकर संक्रांति के पर्व पर अयोध्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा है। गोरखनाथ मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। भगवान गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाई जा रही है। आज ब्रह्म मुहूर्त से ही लोग मकर संक्रांति की पूर्ण वेला में इस श्रद्धा के साथ जुड़े हुए हैं। पंचांग के अनुसार प्रातः 9:15 के आसपास धनु राशि मकर राशि में जगत पिता सूर्य का संक्रमण होगा। तो वहीं केरल में इस पर्व को मकर विलक्कु उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। लाखों श्रद्धालु मकर ज्योति देखने के लिए सबरीमला मंदिर पहुंचे हैं। यहां आने वाले सभी लोग काले कपड़े पहनते हैं। ये रंग दुनिया की सारी खुशियों के त्याग को दिखाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, देश भर से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। मकर संक्रांति के पर्व के साथ रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर श्रद्धालुओं में दोगुनी खुशी है। देशवासियों को, समस्त लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और यही बोलना चाहता हूं कि सरयू का जादू और भगवान राम का आशीर्वाद बरस रहा है इस नगरी में। बता दें कि सनातन धर्म में मकर संक्रांति का काफी महत्व है। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है और आज ये पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। उत्साह आप अभी से इस घाट के जरिए या पूरे अयोध्या में देख पाएंगे। जबरदस्त उत्साह है। पूरी अयोध्या नगरी यहाँ के जो लोग हैं वो 22 जनवरी के खुमार में हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए बेकरार जो राम भक्त हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि कब भव्य तरीके से रामलला के मंदिर में विराजेंगे। और रोज रोज राम भक्तों का बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। और आपको बता दें, ढोल नगाड़ों के साथ पहुंच रही भक्तों की ये टोली पूरे अयोध्या का उत्साह बढ़ाती नजर आ रही है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही उत्सव का माहौल है। हर कोई राम की भक्ति में लीन दिख रहा है। ढोल नगाड़ों की धुन पर राम भक्त झूमते नाचते दिख रहे हैं। राम की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव अयोध्या में कुछ इस तरीके से चल रहा है। आप देख रहे हैं कि राम की भक्ति में लोग लीन हैं। राम नाम के जयकारे लग रहे हैं। ढोल और मंजीरे के साथ राम भक्त नाचते हुए नजर आ रहे हैं। हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान के। अयोध्या में कैसा उत्साह उमंग है इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। राम आएंगे लेकिन उससे पहले का ये नजारा अपने आप में अद्भुत है। राम की भक्ति में मगन भक्त अयोध्या में नाचते गाते थिरकते हुए नजर आ रहे हैं और अभी करोड़ों सनातनियों का मन उत्साह से भरा हुआ है क्योंकि रामलला अपने महल में भव्य मंदिर में पहुंचने वाले हैं, विराजने वाले हैं। एक बार फिर से अयोध्या त्रेता युग की अयोध्या जैसे दिखने वाली है। हे राम तुम सर्वोच्च हो। बड़े ही नहीं नन्हे भक्त भी राम की भक्ति में लीन हैं। छोटे राम भक्तों की जुबान पर भी राम स्तुति लय है। अब रामलला की स्तुति गाते हो, कौन सी है वो स्तुति?
हे राम तुम सर्वोच्च हो, हे राम तुम सर्वश्रेष्ठ हो, रामत्व से तुम राम हो, हे राम तुम कुल श्रेष्ठ हो, कौशल्य नंदन दशरथ प्रजापति रंग के तुम वार हो, सीतापति हे राम तुम जगत के पालन हार हो, चंद्रास्त्र हो पशुपास्त्र हो, हे राम तुम ब्रह्मास्त्र हो, सीता राम जय सीता राम। अयोध्या में अब जगह जगह ऐसा नजारा दिखने लगा है, हर तरफ राम भक्त अपनी अपनी तरह से रामलला के प्रति अपनी आस्था दिल खोल कर दिखा रहे हैं। तो देखिए अयोध्या आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों के लिए कैसे कैसे इंतजाम किए गए हैं। इन सभी पर्यटकों को भटकना ना पड़े इसके लिए अयोध्या में अलग अलग जगहों पर साइन बोर्ड लगाए गए हैं। लगभग 22 भारतीय भाषाओं में और 6 विदेशी भाषाओं में हर जगह जो डायरेक्शंस हैं, निर्देश हैं, वो आपको अयोध्या में देखने को मिल जाएंगे। और देखिए जब ऐसे श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे, उन्हें इन साइन बोर्ड के जरिए जो अलग अलग भाषाओं में लिखे गए हैं, उससे न सिर्फ उनकी राह आसान हो जाएगी बल्कि काफी उन्हें मदद भी मिलेगी। आपको एक रिपोर्ट के माध्यम से दिखाते हैं पूरी खबर। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से देश ही नहीं विश्व से लोग अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए आएंगे। अलग अलग भाषाई यात्रियों श्रद्धालुओं को अयोध्या में भटकना न पड़े, ऐसे में कई भाषाओं में जगह जगह साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं। हिंदी, तमिल, तेलुगु समेत 22 भारतीय और यूनाइटेड नेशन की 6 विदेशी भाषाओं में साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश और दुनिया भर के अलग अलग भाषाओं के लोग अयोध्या नगरी की शोभा को देखने आएंगे और ऐसे में उन सभी यात्रियों को किसी तरह की असुविधा अयोध्या के नगर भ्रमण में ना हो, उनके लिए अलग अलग भाषाओं में जो है वो साइनिस बोर्ड जो है वो लगाना शुरू हो गए हैं। इस वक्त हम जहां पर खड़े हैं ये वीड़ा चौक के पास की जगह है और यहां पर जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक भारत की संविधान के 8वीं अनुसूची में जो कुल 22 भाषाएं हैं और इसके अलावा यूनाइटेड नेशन की 6 आधिकारिक भाषाओं में बोर्ड लगाए जाएंगे और जो जानकारी मिली है कि ये जो सभी बोर्ड हैं अभी फिलहाल अयोध्या में वीणा चौक के अलावा हनुमानगढ़ी, कनक भवन, अयोध्या धाम जंक्शन, टेढ़ी बाजार और अयोध्या एयरपोर्ट पर लगा दिए गए। जगह जगह साइन बोर्ड लगने के बाद अयोध्या आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों को भटकना नहीं पड़ेगा, वो अपनी भाषा में साइन बोर्ड देखकर आसानी से अपना रास्ता चुन सकेंगे। ऐसे में देशी विदेशी पर्यटकों और श्रद्धालुओं को ऐसे साइन बोर्ड से काफी मदद मिलेगी। तो इस बात को तो आप भी मानेंगे कि पूरा देश, पूरी दुनिया इस वक्त राममय हो चुकी है और जगह जगह राम यात्रा भी निकाली जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा को भव्य बनाने की देश के कोने कोने में तैयारी जारी। तो देखिए हरियाणा के गृह मंत्री ने भी यहाँ पर राम भक्तों के साथ राम यात्रा निकाली और इसके बाद कैसे पूरा शहर राममय नजर आया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरा देश राममय हो चुका है। अंबाला में अनिल विज की अगुवाई में भव्य राम यात्रा निकाली गई, पूरा शहर श्री राम की जय घोष से गूंज उठा। खुद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज खुली जीप से भगवा झंडा लहराते नजर आए। इस बीच हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। यात्रा के जरिए अनिल विज लोगों से 22 जनवरी को हर घर में दिए जलाने की भी अपील की, सात्विक भोजन करने का संदेश दिया। सारा देश राममय हो गया है, 22 तारीख तक सात्विक भोजन खाएं, रजोगुनी या तमोगुनी भोजन मत खाएं, वो उत्तेजना पैदा करता। राम भक्त खुश हैं क्योंकि 500 साल बाद रामलला अपने महल में विराजमान होने वाले हैं।
जिसको लेकर देश भर में उत्सव जैसा माहौल है। हर कोई राम धुन में मग्न है। संक्रांति की जो तस्वीरें हैं वो बेहद खूबसूरती और भव्यता यहाँ की दर्शाती नजर आ रही हैं। अयोध्या के सरयू घाट से लगातार आज आपको सुबह सुबह हम दिखा रहे हैं कि कैसे बड़ी तादाद में भक्त पहुँचने लगे हैं और ठंड के बावजूद आज दिन की शुरुआत यहाँ पर सरयू स्नान के साथ कर रहे हैं। और कुछ यही उत्साह जो है वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी देखने को मिल रहा है। बहरहाल काशी विश्वनाथ से क्या कुछ खास उपहार भेजे गए हैं अयोध्या में भगवान श्री राम के लिए, ये भी आगे आपको दिखाएंगे। तो वही 1992 में भव्य राम मंदिर का सपना लिए शपथ पूरा करने के लिए लोग जी जान से जुटे हुए हैं। मध्य प्रदेश के एक साधु की यात्रा इतनी अनोखी क्यों है वो आपको दिखाते हैं। अयोध्या राम मंदिर को लेकर जगह जगह लोगों की आस्था देखने को मिल रही है। ऐसे ही एक साधु हैं बद्री बाबा, जो मध्य प्रदेश के दामोह से अपनी चोटी में रथ बांधकर अयोध्या निकले हैं। बद्री बाबा जब यूपी के महोबा पहुंचे तो राम भक्तों ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं चोटी में रथ बांधकर निकले साधु को देख लोग भी काफी उत्साहित दिखे। मन में सवाल उठा कि आखिर साधु बाबा ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो पता चला कि 1992 में बद्री बाबा ने कसम खाई थी कि जब भव्य राम मंदिर बनेगा तो वो अपने निवास दामोह से अयोध्या तक अपनी चोटी में रथ बांध कर ले जाएंगे और वही शपथ आज वो पूरी करने में जुटे हैं। 1992 में मैंने प्रण लिया था कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने और श्री राम प्रभु जी विराजमान हो, तो मैं अपनी चोटी से रथ को बना करके अपने गांव से खींच करके अयोध्या ले जाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर तरफ उमंग उत्साह है। बाबा भोलेनाथ की नगरी से भी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उपहार भेजे जा रहे हैं। इन उपहारों को काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा भोलेनाथ से स्पर्श कराया गया। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर से चांदी का बेलपत्र, धतूरा, माता अन्नपूर्णा मंदिर से अक्षत चुनरी के साथ ही माता जानकी की चुनरी और श्रृंगार के सामान उपहार स्वरूप भेजे जा रहे हैं। तो एक तरफ राम मंदिर को लेकर के पूरी दुनिया में धूम है, इंतजार कर रहे हैं लोग प्राण प्रतिष्ठा का, लेकिन दूसरी ही तरफ राम मंदिर को लेकर और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के सियासत और भड़काऊ बयान भी दिए जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही बयान असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से आया है, भड़काऊ बयान जो कि सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल है। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने भी राम मंदिर पर कहा है कि प्रभु श्री राम उनके सपने में आए, उनसे कुछ खास बातचीत की, और क्या बातचीत की चलिए ये हम आपको बताते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। राम मंदिर को लेकर सियासत और विरोधियों के भड़काऊ बयानों का सिलसिला जारी है। राम मंदिर मुद्दे को लेकर एक बार फिर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का भड़काऊ बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में ओवैसी ये कहते हुए दिख रहे हैं कि जो मस्जिद खोई वो एक गलती का नतीजा है, अब अपनी मस्जिदों की हिफाजत करनी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम मस्जिदों की हिफाजत करें, और कुदरत हमारा आज से पुकार पुकार कर कह रही है कि तुम एक मस्जिद को खो चुके, वो तुम्हारी गफलत की वजह से हुआ था। अगर आप होश के नाखून नहीं रहेंगे तो फिर ये तमाम जो लोग आज इख्तदार की कुर्सियों पर बैठने वाले ये जालिम लोग, ये हमारी मस्जिदों पर ललचाई हुई नजरों से देख रहे हैं, वो जानते हैं कि मुसलमान को मस्जिद से दूर कर दो फिर ये निहत्ता हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है मेरे अजीज दोस्तों और नौजवानों और माँ बाप, अकेले मत जाइए मस्जिद को, अपनी औलाद को साथ लेकर जाइए। सिर्फ जुमे के दिन नहीं बल्कि हर वक्त की नमाज मस्जिदों में अदा करिए, अपनी मस्जिदों को आबाद रखिए। वैसे ही नहीं, लालू यादव के बड़े बेटे और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव का भी भगवान राम को लेकर अजीबो गरीब बयान सामने आया है। तेज प्रताप की माने तो राम जी उनके सपने में आए थे और 22 जनवरी को अयोध्या नहीं आने की बात कही। वो जरूरी है कि जिस दिन 22 तारीख को कर रहा उसी दिन राम जी आएंगे? नहीं आएंगे उस दिन राम जी, हमको सपना दिया। चार शंकराचार्य हैं, उनको भी सपना आया है, हमको भी सपना में आए हैं राम जी, हमको तो सपना में आ गया, राम जी खुद बोले हैं ये सब ढोंग कर रहा, हम उस दिन आई भी नहीं करेंगे।
सियासत करने वाले अपनी सियासत जारी रखे हुए हैं, लेकिन ये बात तय है कि 22 जनवरी को राम मंदिर उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर हो रही राजनीति पर राम पर विश्वास रखने वाले लोगों की आस्था बढ़ी है। मकर संक्रांति के पर्व पर सरयू घाट के किनारे की तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं और साथ ही देश और दुनिया की हर बड़ी खबर भी फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आप देख रहे हैं। लेकिन सरयू घाट से आपको एक अहम खबर भी बता दें कि कैसे देखिए यहाँ पर भारी भीड़ रोजाना दर्शन पूजन करने के लिए पहुंच रही है। तो दूसरी तरफ बात कांग्रेस की कर ले तो कांग्रेस के जो आलाकमान नेता है उन्होंने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में आने से इनकार कर दिया, लेकिन यूपी कांग्रेस के जो तमाम नेता है वो आज अयोध्या पहुंचेंगे और इसमें बड़ी संख्या में हजारों की तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता और बड़े नेता शामिल हैं। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष और यूपी कांग्रेस के प्रभारी आज अयोध्या पहुंचने वाले हैं, इसको लेकर के क्या अपडेट है रिपोर्ट में देखिए। अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण कांग्रेस के टॉप नेता सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन ने ठुकरा दिया है, लेकिन यूपी कांग्रेस के नेता आज अयोध्या पहुंचेंगे और प्रभु रामलला का दर्शन पूजन भी करेंगे। आलाकमान के न्योता ठुकराने से पहले ही यूपी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजय राय ने घोषणा कर दी थी कि वो 100 कार्यकर्ताओं के साथ मकर संक्रांति यानी आज अयोध्या में दर्शन पूजन करेंगे। लेकिन पार्टी की तरफ से अब ये अपडेट आया है कि 2000 से ज्यादा कार्यकर्ता और नेता आज अयोध्या पहुंचेंगे, जिसमें यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे के अलावा प्रमोद तिवारी, पीएल पुनिया समेत तमाम नेता शामिल होंगे। नेता कार्यकर्ता सरयू नदी में स्नान के बाद भगवान रामलला और हनुमान गढ़ी के दर्शन करेंगे। यूपी कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि अयोध्या में कार्यकर्ताओं के पहुंचने का ये कार्यक्रम स्वैच्छिक है, लेकिन ये बात सभी जिला इकाइयों में फैल गई है और कईयों ने कहा कि वो पार्टी के इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। लखनऊ से 2000 के अलावा अयोध्या के आसपास के जिलों से भी कई कार्यकर्ता और नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। तो पूरे उत्तर भारत में ठंड तो काफी जबरदस्त पड़ रही है, कई ऐसे शहर हैं जहां पर अभी भी घना कोहरा छाया हुआ है, लेकिन दिल्ली एनसीआर की बात करें तो वहां पर जबरदस्त ठंड है, घना कोहरा है, जिस वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो चुकी है, लोगों को आज भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए अयोध्या में भले ही आज यहाँ पर कोहरा जो है वो कल के मुकाबले काफी कम है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कई ऐसे और जिले हैं, शहर हैं, जहां आज घना कोहरा छाया हुआ, विजिबिलिटी बेहद कम रही और दिल्ली एनसीआर के भी तमाम इलाकों में कुछ ऐसा ही रहा। दिल्ली उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तो येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। अभिषेक राज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। अभिषेक, देखिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, वो भी अगर आज मकर संक्रांति है, माना ये जाता है कि आज के दिन से गर्मी जो है वो धीरे धीरे बढ़ती है और ठंड जो है धीरे धीरे कम होने लगती है, लेकिन इसके बावजूद आज पूरा शहर दिल्ली एनसीआर घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। देखिए बिल्कुल, आज से गर्मी धीरे धीरे बढ़ती है, सर्दी धीरे धीरे घटती है, लेकिन यहाँ भी कुछ भी ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तस्वीरों में सबसे पहले आप देखिए कितना घना कोहरा आपको नजर आएगा। हालांकि कल जितना ज्यादा कोहरा था, विजिबिलिटी जीरो थी, उससे कंपैरेटिवली आज कोहरा कम है, लेकिन ठंड वैसे ही ज्यादा है। अगर तापमान की बात करेंगे आप तो तापमान जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस रहने वाला न्यूनतम और अधिकतम जो है वो 15 डिग्री जा सकता है। ऐसे में आज दिल्ली के जो स्कूल्स हैं वो भी खुल रहे हैं, 9 बजे से स्कूलों की टाइमिंग जो है पढ़ाई गई थी। ऐसे में जो बच्चे निकलेंगे उनको भी जो है वो खास ख्याल रखना पड़ेगा, माता पिताओं को बच्चों को लेकर। इसके अलावा वीकेंड खत्म हुआ है, सोमवार का दिन है, आज लोग अपने दफ्तरों के लिए निकलेंगे, बाहर आएंगे, तो उनको भी बेहद खास ख्याल रखना होगा कि जब वो बाहर निकले तो मफलर स्वेटर जो है वो पहन के निकले, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है, हार कपाने वाली ठंड है, कोहरा बहुत ज्यादा है। गाड़ियों को अगर आप देखेंगे तो हेडलाइट जला के अभी भी गाड़ियां चल रही है, कई गाड़ियां जो है वो पार्किंग लाइट जला के चल रही है ताकि किसी भी तरीके से कोलिजन से बचा सके। और ये देखिए, ये नोएडा एक्सप्रेसवे है, कल यहाँ पे इसी एक्सप्रेसवे पे 2 एक्सीडेंट हुए थे। ऐसे में बेहद संभल के गाड़ियां चल रही हैं, बेहद सावधानी के साथ लोग आगे बढ़ रहे हैं, अपना और अपनों का ख्याल रखने की बात जो है वो मेट डिपार्टमेंट भी कर रहा है, प्रशासन भी कर रहा है, और यही कारण है कि बड़ी सावधानी के साथ जो है वो आगे बढ़ते हुए लोग नजर आ रहे हैं। ठंड बहुत ज्यादा है और ठंड और शीतलहरी से बचने की जरूरत है, डॉक्टर भी यही सलाह दे रहे हैं जी। और बिल्कुल अभिषेक, इस ठंड का काफी प्रभाव भी देखने को मिल रहा है, फ्लाइट्स और ट्रेन भी काफी डिले हो रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इस जानकारी के लिए। और एक हैरान करने वाली खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां
पर अचानक से आग लगने की घटना सामने आई है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर बीती रात ये आग लगी है, जिसकी वजह से गांधीनगर मार्केट में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि बहुत तेजी के साथ ये आग फैलती हुई नजर आई। देखिए आग कितनी भीषण थी, इसका अंदाजा तो आप तस्वीरों में भी देखकर लगा पाएंगे, लेकिन आग की लपटें इतनी ऊंची ऊंची उठती नजर आई कि इसको काबू में करने के लिए 1.5 दर्जन से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाना पड़ा और कड़ी मशक्कत के बाद कहीं जाकर इस आग को काबू में किया जा सका। ये खबर देखिए, ये तस्वीरें दिल्ली के गांधीनगर मार्केट की हैं, जहां रविवार रात आग लग गई। बीच बाजार में लगी इस आग की वजह से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, चारों तरफ अफरा तफरी जैसा माहौल हो गया। आप देखिए कितनी भयानक आग लगी है, ऐसा लग रहा है जैसे ये लपटें सब कुछ स्वाहा करने पर तुली हैं। ये और भीषण इसलिए हो गई है क्योंकि ये आग कपड़े की दुकान में लगी है, जिसकी वजह से 4 दुकानें स्वाहा हो गई है। नुकसान तो अब लिमिटेड तो कोई नहीं है, भरा होता है माल तो। अच्छा, सर्दी का माल तो सारा ही है। सर्दी का भी है, समर का भी है, सेमी विंटर भी है। तो आपको कब पता लगा, आप घर चले गए दुकान पर? मैं मार्केट गया हुआ था, बेटा घर पहुंच गया था, तो मार्केट से फोन पहुंचा तो भागे हुए आए। आग की सूचना मिलते ही दमकल की करीब 10 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि तंग गलियां होने की वजह से मौके तक दमकल की गाड़ियां नहीं पहुंच पाईं। पाइप के जरिए पानी को दुकान तक पहुंचाया गया और बड़ी मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया गया। सर, ये दुकानों की आग मिली थी गांधीनगर मार्केट में, दुकानों में आग है, ठीक है। यहाँ अगर देखा तो आग ज्यादा थी, हमने उसको फिर बुझाना शुरू किया। करीब 21:05 की कॉल है ये, ठीक है, और हमने पहले गाड़ियां लाए 4, उसके बाद और बढ़ाई, ठीक है। अभी करीब 10-12 गाड़ियां आई हुई है सीन पर हमारी, और आग जो है कई दुकानों में थी, बुझा दी गई, कूलिंग चल रहा है। बता दें कि ये आग गांधीनगर के अशोका गली में 2 मंजिला भवन में लगी। आग लगने की वजह अभी पता नहीं है, कयास लगाए जा रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी होगी। के सुपर हिट बुलेटिन में अगली खबर आपको ग्वालियर से बताने जा रहे हैं, जहां पर प्रेम प्रसंग के चलते बीच सड़क पर बवाल हो गया। दरअसल एक प्रेमिका ने अपनी प्रेमी की पिटाई कर दी, और देखिए मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि बजरंग दल की टीम को मौके पर पहुंचना पड़ा और उन्होंने पूरे इस पूरे मामले में इंटरफेयर किया। आगे क्या कुछ कार्रवाई हुई इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के ग्वालियर की हैं। पूरा मामला प्रेम प्रसंग का है। लड़की अपनी सहेली के साथ प्रेमी से मिलने पहुंची थी, तभी किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि लड़की बीच सड़क पर ही प्रेमी की पिटाई शुरू कर दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लड़की के प्रेमी वसीम खान को अपने साथ थाने ले गई। बच्ची से मैं बात कर रही हूँ, बच्ची बालिग है और मैं उनसे बात कर रही हूँ कि क्या विषय है, क्या रिलेशन था, उसमें पूछताछ करके ही अग्रिम कार्रवाई। पुलिस के मुताबिक लड़की हिंदू है और ये दोनों एक दूसरे से पिछले 3 से 4 साल से जानते थे, लेकिन अचानक क्या हुआ कि लड़की आग बबूला हो गई और प्रेमी वसीम को भीड़ के बीच ही पीटना शुरू कर दी। ये खबर मिलते ही मौके पर बजरंग दल की टीम पहुंच गई। उनका दावा है कि लड़कियों को ब्लैकमेल किया जा रहा था, उनको बच्चियों को बार बार धमकी दे रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, और ऐसा भी बोला उसने कि इन्होंने कोई वीडियो वगैरह बनाई हुई है जो उनको बार बार प्रताड़ित करता है। हकीकत क्या है, फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सरयू घाट से। लगातार आपको फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन हम दिखा रहे हैं, खबरें आपको बता रहे हैं, और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, वो ये कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले आरएसएस चीफ मोहन भागवत की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कई वर्षों का सपना पूरा होने जा रहा है और कई संघर्षों के बाद ये सपना पूरा होने जा रहा है। कोई बाबरी मस्जिद को गुलामी का प्रतीक मोहन भागवत बताते नजर आए, तो बड़ी खबर, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले मोहन भागवत का अहम बयान सामने आया और कहा है कि कई वर्षों का ये सपना है जो अब पूरा हो रहा है और मंदिर बनना खुशी की बात है, संघर्षों के चलते ही ये सपना आज पूरा हो पा रहा है। तो देखिए एक तरफ मकर संक्रांति के पावन पर्व पर कैसे अयोध्या में सरयू घाट जो है वो भक्तों की भीड़ से पटा पड़ा है और सुबह सुबह से ही लोग यहां पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, और टाइम्स नाउ नव भारत के दर्शकों के लिए भी मकर संक्रांति का ये पर्व शुभ हो और भगवान सूर्यदेव की कृपा सब पर बनी रहे।
अयोध्या से आज तो हम आप सबके लिए यही प्रार्थना कर रहे हैं।